बिहार में चुनावी बिगुल जारी है और इस चुनावी महासंग्राम के घमासान के बीच लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने में पीछे नहीं हट रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बिहार के पटना पहुंचे सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने पटना पहुंचकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विपक्ष हार के डर से बौखला गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महागठबंधन राजद जो है वो हार के डर से फ्रस्ट्रेट है। वहीं लगातार मनोज तिवारी ने विपक्ष को घेरा। साथ ही क्या कुछ कहा सांसद मनोज तिवारी ने, आप इस वीडियो में सुनिए। आप सब स्वयं देख सकते हैं, अभी जो पिछले दिन मतदान हो रहा था तो कई जगह वोटरों को मारा गया, फतुहा में मारा गया और उधर हमारे दूसरे क्षेत्र में भी बख्तियारगंज के आसपास वहाँ भी, और राजद के गुंडों ने वोटर्स को मारा कि तुम कमल को या तीर को क्यों वोट दे रहे हो, FIR भी हुई है। अब इस फ्रस्ट्रेशन के बाद कुछ कहने की ज़रूरत थोड़ी है, ये फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि राजद और महागठबंधन ये लोग चुनाव हार चुके हैं,